नमस्कार दोस्तों, निफ्टिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल समझाया था कि 35,310 के ऊपर जैकपॉट मिलेगा, जो नॉन स्टॉप पहले 35,475 आएगा और वहां तक आया, पर उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना रंग दिखाया और जोरदार बिकवाली। तो खैर, हमें तो जो टारगेट था मैंने बताया वो तो मिल गया, हमें लगभग 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। नीचे भी मैंने कहा था कि 34,900 तक कोई भी डिप बाय बाय कीजिए और टारगेट मैंने दिए थे 35,165 तक, तो वो भी हमें मिले। तो इस तरह से हमें बैंक निफ्टी में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जैसा कि हमारा कल का प्लान था कि आज हमने ऐसे प्रॉफिट बुक करना है। तो इस तरह से सिर्फ निफ्टी वाला चैनल पे ही एडवांस में आपको बताया जाता है कि ये वो लेवल है जहां पर जैकपॉट मिलेगा, ये वो लेवल है जहां से ट्रेड मिले। तो जो दर्शक अभी अभी नए आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जरूर क्लिक करें, क्योंकि वहां पर भी हम टाइम टू टाइम सब कुछ बताते हैं। आज जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तो हमने वहां पर सारा कुछ बताया और उसका मीनिंग क्या है ये भी बताया। उसमें मैंने ये पहले ही बता दिया था कि जो आरबीआई गवर्नर साहब की जो कमेंट्री है वो काफी मिक्स है, तो यही कारण था कि मार्केट बाद में गिरी। पहले उठी उठी इसलिए कि 50 बेसिस पॉइंट उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जो कि पहले ही डाइजेस्ट हो चुका था, और गिरी इसलिए क्योंकि उन्होंने जो इस साल का जो जीडीपी ग्रोथ का डाटा दिया है वो काफी डाउन है, 6.2, जो कि निराशाजनक है, तो इसलिए फिर वो नीचे आ गई। और कुछ नहीं है, ये एक रिएक्शन था मार्केट का, जो दोनों गुड और बैड उन दोनों चीजों का रिएक्शन, और वो मैंने एडवांस में ही टेलीग्राम पे बता दिया था कि मार्केट क्योंकि मिक्स था इसलिए मार्केट ने दोनों तरफ का ही मूवमेंट दिखा दी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे मैंने कहा था कि जैसे 16,350 टूटे तो हमें 16,329 मिलेगा, तो हमें क्या मिला, 16,329 एग्जैक्टली। तो हमें मिले सिर्फ 20-21 पॉइंट का प्रॉफिट, ऊपर की ओर 16,510 के ऊपर कहा था पर वो हमें नहीं मिला। यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं ली, इसके नीचे जरूर हमें ट्रेड मिली पर उसमें भी हमें छोटा सा प्रॉफिट। तो इस तरह से हमें कुल मिला के हम प्रॉफिट में ही रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब क्या कारण था कि मार्केट गिरी। देखिए, मार्केट गिरी एक तो जो जीडीपी ग्रोथ इस साल का कम दिखाया गवर्नर साहब ने वो, दूसरा जो मार्केट गिरी है जो मेन कारण है, एक्चुअली वो मेन कारण ये है कि अब फेड की मीटिंग है। जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, अब फेड की आएगी, फेड की जो आएगी वो वेंसडे की इवनिंग को आनी, तो उसका डर अभी स्तार है। उसका डर इस कदर स्तार है कि ये देखिए, आप डाउ को देखिए कि डाउ लगातार, ये जो मैंने लाइन लगाई है ब्लू लाइन, ये है 50 EMA की लाइन, 50 EMA है 33,166 पर, और ये बार बार 33,284, 33,284 पर जो डाउ है वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। डाउ भी डर रहा है, डाउ इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, वो डर क्या सता रहा है, आरबीआई का, वो फेड का। जैसे ही वो फेड का डर निकला फिर ये ब्रेकआउट देगा। अब देखते हैं कि फेड का कैसा रिएक्ट आता है। वैसे फेड ने भी 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाने हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो अगर फेड ने 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाए तब डाउ फ्यूचर इसे क्रॉस कर जाएगा। अगर ये इसे क्रॉस कर गया तब हमारी मार्केट एक फाड़ के निकलेगी, जैसे झूम के निकलती है चीज, तो ऐसे गोली की तरह मार्केट फिर ऊपर की ओर निकलेगी 16,550, 16,650 के ऊपर। अभी हमारी मार्केट भी डाउ को देख रही है, जब तक डाउ का 50 EMA हम क्रॉस नहीं कर पाते और उसके बाद 33,290, 33,300 क्रॉस होकर डाउ अच्छी तरह क्लोजिंग नहीं दे जाता, तब तक हमारी मार्केट भी ऐसे ही फ्लक्चुएट रहेगी। अभी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट है, ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि मार्केट में कंफ्यूजन है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो बैठा है, वो बाय कर रहा है, जो इंट्राडे ट्रेडर है वो सेल कर रहा है, जो DIs हैं वो बाय कर रहे हैं, जो FIs हैं वो सेल कर रहे हैं, तो इस तरह से घालमेल हो रखा है, सभी की अपना अपना व्यू मिक्स हो रखा है। एक मुठ जो व्यूज आएगा सभी का ऊपर की ओर वो तभी आएगा अगर 33,300 के ऊपर डाउ फ्यूचर निकल जाए। जब तक डाउ फ्यूचर 33,300 को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें भी ब्रेकआउट नहीं मिले। तो अब हम आते हैं स्टॉक्स पर। तो स्टॉक्स में देखिए, JK सीमेंट
15 मिनट की कैंडल पे देखते हैं। मैंने कहा था 2120 पे सेल करना है, 2125 सिर्फ 5 पॉइंट कैंसल दिया था तभी मैंने, और ये हमारा 5 पॉइंट कैंसल हिट हो गया। आरती इंडस्ट्री को हमने 709 पे सेल किया और नीचे हमें एग्जैक्टली टारगेट मिला 690। तो इस तरह से हमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। डेल्टा क्रॉ को भी हमने 197 पे सेल किया और 194 हमें मिला। अभी भी डेल्टा क्रॉ में को कल के लिए भी हम रिकमेंड करते हैं। कल भी आपने किसी भी उछाल पे से सेल ही करना है, स्टॉप लॉस 205 का रहेगा, नीचे टारगेट यही सेम 190-187 तक के आपको मिल सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो बैंक निफ्टी देखिए, ये जो मैंने निशान दिखाई दे रहे हैं आपको, जो मेन इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं, ये है बुलिश इंडिकेटर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मैंने ही लगाया है। 35310 के ऊपर मार्केट में ब्रेकआउट आएगा, इसके ऊपर आपने कॉल बाय करनी है। 35100 की 35100 की सीई बाय करनी है 35310 के ऊपर, अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज हो तब हमने कॉल बाय करनी है। नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, ये क्या है 35070, ये है हमारा 20 MA होगा स्टॉप लॉस, 20 MA स्टॉप लॉस के साथ 35310 के ऊपर 35100 की कॉल बाय करनी है। और टारगेट रहेगा 50 MA क्या है 35418, उसके बाद आएगा 35458, 35511, 35680, 35856, ये 35856 क्या है, ये है 200 MA, उसके बाद आएगा 35894, ये क्या है, ये 100 MA। तो इस तरह से ये टारगेट जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं 35310 के ऊपर, ये वाले टारगेट आपके रहेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर बैंक निफ्टी नीचे चले जाए 34840 को तोड़ दे, जो पिछले दो दिनों का लो लग रहा है, इस दो दिनों का लो अगर तोड़ दिया तब एक बिकवाली आएगी, तेज बिकवाली 35000 की पुट बाय करनी है 35000 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे टारगेट मिलेगा 34692, फिर मिलेगा 34650, ये क्या है, ये है 20 MA, और फिर मिलेगा 34603 34469, और जैसे 34469 टूटा तो एक तेज आंधी आएगी जो बड़ी तेजी से मार्केट ऐसे गिरेगी जैसे आसमान से कोई पत्थर गिर रहा है, ऐसे गिरेगी बड़ी तेजी से 34083 34031 और 3367 तक जोर से गिरेगी। तो ये था बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप, इसके ऊपर बाय कीजिए। ब्रेकआउट आएगा 35950 के ऊपर, तेज तरार ब्रेकआउट, इसके ऊपर ट्रेड मिलेगी आपको। मैं दोनों लेवल दे रहा हूँ, ट्रेड के भी और तूफानी जैकपॉट के भी, और नीचे की ओर भी आपको 34840 के नीचे ट्रेड, 34469 के नीचे एक तूफानी जैकपॉट जो आपको नीचे के लेवल दिखाएगा। तो ये है बैंक निफ्टी का कंप्लीट ट्रेड सेटअप, और इस दो ब्लू लाइंस के अंदर अगर आप कुछ भी ना करें तो अच्छा रहे, कुछ ना करें, बस इसे देखें, ऊपर जाए तो कॉल, नीचे जाए तो पुट। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दी, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 35000, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 20 MA। तो अब हम आते हैं निफ्टी पर, इंडिया विक्स 19.84, विक्स तो देखिए कम हुई है, तो ये बुल्स के फेवर में, क्रूड फिर से बढ़ गया 122, ये बैंक निफ्टी को गिरा के छोड़ेगा, जैसे जैसे ये क्रूड बढ़ेगा बैंक निफ्टी गिरेगी। बॉन्ड यील्ड काफी हाई हो गई है तो ये मार्केट को नीचे गिराएगी 3.012, फिर से 3 के ऊपर है। डॉलर इंडेक्स फिर से हाई हो गया 102 के ऊपर, ये भी मार्केट को गिराएगा, ये उठने नहीं देगा। और जो वर्ल्ड मार्केट उसमें भी देखो, देखिए ये डाउ फ्यूचर का जो हाई है वो क्या लगा है, एग्जैक्टली 33176, यहाँ पे क्या है 50 MA, तो जब तक ये 50 MA नहीं क्रॉस करता तब तक ये रेडी रहेंगे। ये देखिए सिंगापुर निफ्टी सिर्फ 13 पॉइंट ऊपर है, मतलब ये कभी भी रात के समय अगर जब डाउ जोन्स खुलेगा, अगर उसने 50 MA नहीं क्रॉस किया, क्योंकि 50 MA पर उसकी क्लोजिंग हुई है डाउ जोन्स की कैश की, अगर उसने उसके ऊपर नहीं ट्रेवल किया तो ये फिर से गिर जाएगा सिंगापुर निफ्टी।
और डाउ को मैंने आपको समझा ही दिया है। तो अब हम आते हैं निफ्टी पर। अब देखिए निफ्टी के कौन से दो लेवल है, निफ्टी के ये दो लेवल है 16530 16530 के ऊपर आपने कॉल बाय करनी है, स्टॉप लॉस रहेगा 16450। ये क्या है, ये है 20 MA, 20 MA 16438, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 16438। 16530 के ऊपर कॉल बाय करनी है और टारगेट 16600, 16600 यहाँ पर भारी कॉल राइटिंग है। उसके बाद ये है 16646, 16646 ये है 50 MA, फिर आएगा 16703, 16703 फिर आएगा 16739, ये क्या है, ये है 200 MA, तो फिर आएगा 16825, फिर आएगा 16858, ये क्या है 100 MA, तो 16952 और 17018 के ये आपको टारगेट मिलेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर जूम करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टारगेट आप नोट कर लीजिए। ये तो था ऊपर की ओर, अब आता है नीचे की ओर, 16300 के नीचे डाउन साइड ब्रेकडाउन आएगा और हमें हमने क्या करना है, 16400 की पुट बाय करनी है, 16400 की और 16400 के स्टॉप लॉस के साथ 16400 की पुट 16300 के नीचे, और हमें क्या मिलेगा टारगेट 16260, ये क्या है, ये है 20 MA, फिर 16171 और इसके नीचे एक जो आपको जैकपॉट मिलेगा 16170 के नीचे, वो जबरदस्त होगा। उसके नीचे फिर मार्केट तेजी से गिरेगी, सीधा 100 पॉइंट की गिरावट 16062, 16040, फिर 15950, भारी गिरावट आपको देख। उधर बैंक निफ्टी का वो लेवल टूटेगा जो मैंने आपको बताया जैकपॉट का, इधर ये लेवल टूटेगा, दोनों के इकट्ठे लेवल टूटेंगे जैकपॉट के, तो वहां पर आपको भारी जैकपॉट मिलेगा। अब आता है सवाल कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले तब क्या करना है, अगर सॉरी निफ्टी, अगर निफ्टी फ्लैट खुली तो कोई जंप आया आपका 20 MA की ओर, 20 MA 16448 और 16470, इस एरिया में जैसे ही बैंक निफ्टी आए तो आपने पुट बाय करनी है, मतलब कोई भी जंप आए निफ्टी में तो आपने पुट बाय करनी है। कब कहां तक जंप आए, इस एरिया इन तीन लेवल्स तक 16470 टू 16500 तक कोई भी जंप आए तो आपने पुट बाय करनी है। स्टॉप लॉस 16500 का रखना है 16500 का और नीचे टारगेट मिलेगा 16387, 16384 और 16300, ये दो लेवल आपको मिलेंगे। अगर इसके नीचे चले जाए तब भी पुट बाय करनी है, मतलब इसके नीचे ही पुट बाय करनी है, इस यहाँ पर भी पुट बाय करनी है, स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, इसके ऊपर कॉल बाय करनी है, इसके नीचे भी पुट बाय करनी है और इसके नीचे 16250 टूटा, फिर से आपने पोजीशन लेनी है 16300 की, स्टॉप लॉस फिर से आपका 16260 होना चाहिए 16260 16250 के नीचे, मतलब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे आगे बढ़ाते जाना है पुट का और नीचे आपको ये वाले टारगेट मिलते चले जाए। तो ये था बैंक निफ्टी, निफ्टी और स्टॉक्स का कंप्लीट ट्रेड सेटअप। स्टॉक मैंने एक ही दिया है क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो मुझे सिर्फ डेल्टा को भी ऐसा लगता है जो सेल का कैंडिडेट है, बाकी नहीं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।